जी हाँ, नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया आज एनडीए का संसदीय दल का नेता। एनडीए ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, राष्ट्रपति से मिला आज एनडीए का डेलीगेशन। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा। थोड़ी देर में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद के सेंट्रल हॉल की है, जो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा उस वक्त जब नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और यहां आप सभी बड़े खास चेहरों को देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो टीडीपी हो, जेडीयू हो, और सबसे पहले संविधान को नमन किया नरेंद्र मोदी ने। तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में आज उन्होंने सबसे पहले भारत के संविधान को माथे से लगाकर नमन किया। स्वागत है। आज इस हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की वंदे। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नोलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगाता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है।
तो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए ने दावा पेश कर दिया है। थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। 5 तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पीएम मोदी संसद भवन में उनका नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। एनडीए के सभी सांसदों ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने संविधान को नमन किया। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी की। उनसे बात करते हुए आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा इस बैठक में कि दक्षिण भारत में एनडीए ने नई राजनीति की नींव मजबूत की है। एनडीए का यह गठबंधन सबसे मजबूत है। विपक्षी पार्टियों के ईवीएम विरोध पर भी नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा, कहा कि विपक्ष आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का विरोधी है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है। एनडीए का संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सबसे पहले वो दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिले, उसके बाद पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई। ये 3 तस्वीरें संसद के सेंट्रल हॉल से सीधा निकलकर जो 3 मुलाकातें नरेंद्र मोदी ने की, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होना है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। 9 जून की शाम को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बड़ी खबर, तीसरी बार वो ऐसा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश के दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 जून की शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। मध्य प्रदेश के इतिहास में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी तरफ आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के कुछ चेहरे लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, जहां कांग्रेस सेन लगाने में हर बार फेल हुई है। कांग्रेस का मानना है कि कुछ सीटें
संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी की कामयाबी के पीछे उनके उम्मीदवारों का सकारात्मक आचरण भी है। सुमित्रा महाजन, गोपाल भार्गव, वीरेंद्र खटिक ऐसे ही नेताओं में शुमार होते हैं। सीटें ऐसी हैं जो भाजपा या संघ की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, मगर इस प्रयोगशाला से इतर उनके जनप्रतिनिधियों का आचरण भी है जिनका सब्स्टिट्यूट हम नहीं बन पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर सीट पर चुनाव जीतने की दो ही कारण हैं, जनता से किए गए वादों को डबल इंजन की सरकारों के माध्यम से पूरा करना और संगठन में नए आयाम गढ़ना। भारतीय जनता पार्टी की बूथ शक्ति एक नए कलेवर में डिजिटलाइज होकर नजर आई और डबल इंजन की सरकारों ने जो गांव गरीब किसान के जीवन में बदलाव किए उसका परिणाम यह है कि विधानसभा में भी ऐतिहासिक और लोकसभा में भी अभूतपूर्व विजय हमें प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, कैडर यहां का बहुत मजबूत है, संघ देश में सबसे ज्यादा कहीं मजबूत माना जाता है तो मध्य प्रदेश में माना जाता है। तो एक तो भाजपा और संघ दोनों मध्य प्रदेश में मजबूत है, दूसरा कांग्रेस लगातार कमजोर है, चाहे जोन से चुनाव हो चाहे संगठन हो, कहीं वो खड़ी नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी की जीत का अंतर कम हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट पड़े हैं, जबकि पार्टी ने इस बार प्रदेश में 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले सिर्फ 1% ही वोट बढ़ा। जबलपुर में जेल विभाग ने नशीली और प्रतिबंधित सामग्री कैदियों तक पहुंचाने वाले जेल प्रहरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जेल विभाग ने 6 जेल प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया। जबलपुर सेंट्रल जेल के 5 और कटनी जेल के 1 प्रहरी पर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। इन सभी को काम में अनुशासनहीनता बरते जाने पर बर्खास्त किया गया। पहले भी इन प्रहरियों को नोटिस दिया गया था, समझाया गया था, बावजूद इसके साठगांठ कर ये जेल में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाते थे। तो नोटिस दिया गया था पहले भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जेल प्रहरी नहीं माने थे। जबलपुर में इन जेल प्रहरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कैदियों तक नशीली और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने का काम करते थे। 6 जेल प्रहरियों को जेल विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। जबलपुर सेंट्रल जेल के 5 और कटनी जेल के 1 प्रहरी पर यह कार्रवाई की गई है। इन सभी को काम में अनुशासनहीनता दिखाने के लिए बर्खास्त किया गया है। तो पहले भी इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिली थी, तो जब उन पर नोटिस दिया गया था, समझाया गया था। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, बड़ी कार्रवाई की है यहां पर जेल विभाग ने? बिल्कुल, जेल प्रबंधन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है ये इसे बड़ी कार्रवाई माना जाएगा, क्योंकि पहली बार एक साथ 6 प्रहरियों को बर्खास्त किया गया है, यानी नौकरी से ही निकाल दिया गया है। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी, ये जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके साथ साठगांठ करके पैसों का लेन देन करके उन्हें नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री पहुंचा रहे थे, जिसके खिलाफ इन्हें पहले भी समझाइश दी गई, निलंबन किया गया, नोटिस दिए गए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और आज जेल प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। जी बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात दमोह की, जहां सरकारी शराब दुकान पर जेसीबी जली है। नाले पर अतिक्रमण कर शराब की दुकान यहां पर चलाई जा रही थी। ग्राम पंचायत की शिकायत के बाद इसे हटाया गया। आचार संहिता हटते ही जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया था। कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व विभाग का एक्शन देखने को मिला है। आम चोपड़ा गाँव में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण तो लगभग आज 1 माह हो चुका है और दमोह में अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर चल रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुरूप कुछ दिनों पहले यहाँ पर भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि
चोपरा खुर्द में जो पूर्व का नाला बना हुआ था उस पर एक पुरुषोत्तम तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके दुकान बना ली गई थी। आज उसी के तहत कार्रवाई हुई है।